कि हर कुछ सीखा जा सकता है. आई लर्न फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, आई लर्न फ्रॉम माई लाइफ, कि एवरी स्किल इज लर्नेबल. और हर स्किल सीखी जा सकती है दोस्त. यू हैव वेरियस स्किल्स टू लर्न. नंबर वन, यू हैव टू बिकम अ गुड स्पीकर. नंबर टू, यू नो द आर्ट ऑफ इन्विटेशन. यू हैव टू नो द आर्ट ऑफ इन्विटेशन. इट्स अ स्किल. आपको ये सीखना पड़ेगा कि आपके ग्रुप में अगर कोई अचीवमेंट होती है तो उसको प्रमोट कैसे करना है. इट्स अ स्किल. और हर स्किल मजे की बात है कि सीखी जा सकती है. एवरी स्किल इज लर्नेबल. इफ आई कैन स्टैंड हेयर डिलीवर 2,000-1,200 पीपल, यू कैन डिलीवर एंड 2,000 पीपल टू 2,000 पीपल टू 5,000 पीपल. आप कभी ये मत सोचिए कि ये कर सकता है मैं, बिकॉज इम्पॉसिबल इज माई डियर फ्रेंड्स, इम्पॉसिबल इज नथिंग. और जो आपको स्किल्स सीखनी चाहिए, वो बहुत सारी स्किल्स हैं, मैं भी उस डिटेल में नहीं जाना चाहता. आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्किल दोस्त आप सीखेगा अपने सीनियर से, अपने होस्ट से, कि हाउ टू इनवाइट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ माई लाइफ. आफ्टर द सेशन आई विल गोइंग टू एक्सप्लोर द इन्विटेशन. इस दुनिया का सबसे खतरनाक काम ये पहला इंटरेक्शन है आपका और आपके प्रोस्पेक्ट का. पहली बार आप उसका आपका आमना सामना हो रहा है ना, पहली बार आप उससे बात कर रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं एक नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए. तो यहां देखते हैं कि आपने क्या सीखा है. तो आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू इनवाइट. आपको सीखना पड़ेगा कि फॉलोअप कैसे करते हैं यार. आपको सीखना पड़ेगा कि 1-to-1 कैसे बेहतर देते हैं. आपको एक एक आपको सीखना पड़ेगा आपके ग्रुप में एक पर्व हुआ तो उसको प्रमोट कैसे करना है. बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो कंपनी बड़ी चीजों के लिए आपका प्रमोशन करती है, आपको अपने ग्रुप में छोटी छोटी चीजों का प्रमोशन करना है. ये स्किल आपको सीखनी पड़ेगी. और मैं बताऊंगा प्रमोटिंग पीपल, अगर आपने स्किल सीख ली, जब से मैंने ये स्किल सीखी है आई एम अर्निंग बिग मनी. अगर आप ये स्किल सीख गए ना कि लोगों को प्रमोट कैसे करते हैं, ऊपर कैसे ले जाते हैं, तो ये स्किल आपको बहुत मोटा पैसा कमा के देती है. मुझे याद है मैं पढ़ रहा था राजगुरु के बारे में. पंडित जी ने बोला, पंडित जी आजाद जी को पंडित जी बोलते थे, जिन्होंने शूट किया अपने आप. क्या नाम था पूरा? तो चंद्रशेखर आजाद को पंडित जी बोलते थे. तो भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का सिलेक्शन हुआ बम फेंकने के लिए असेंबली के अंदर. तो भगत सिंह सिलेक्टेड थे और सुखदेव सिलेक्टेड थे, राजगुरु सिलेक्टेड नहीं थे उस तीन लोगों की यूनियन में. तो राजगुरु भागते भागते आए, उसने बोला मेरा नाम क्यों नहीं लिखा पंडित जी? बोला तेरा सिलेक्शन नहीं कर सकते. बोला प्रॉब्लम क्या है? बोला जब पकड़े जाएंगे तो वहां ब्रिटिश मीडिया होगा, वो अंग्रेजी में सवाल जवाब पूछेंगे. तुझको आती है अंग्रेजी? तुझे अंग्रेजी नहीं आती इसलिए तेरा काम यहां पर नहीं है. उसने बोला सीख लूंगा लेकिन बम मैं फेंकूंगा, सीख लूंगा लेकिन बम मैं फेंकूंगा. और कहते हैं 15 दिन में राजगुरु ने फर्राटेदार अंग्रेजी सीख ली. उसने बोला सारे जवाब मुझसे ही करेगा, अब देख मैं बताऊंगा उसको. नहीं आता तो सीख ले. और जो चीज नहीं आती और जरूरी है, इतनी जोरदार करो कि साला आने लग जाए. नहीं आती तो करो यार.